नमस्कार, खबर राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। जयपुर के तोतुका भवन में शनिवार को जीएसटी और आयकर पर सीए सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने शिरकत की। बीजेपी के आर्थिक प्रकोष्ठ की ओर से राइजिंग राजस्थान और बीजेपी सदस्यता अभियान को लेकर प्रबुद्ध जनों के साथ चर्चा की गई। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सीए और सीएस को अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बताते हुए कहा कि राजस्थान के आर्थिक विकास के लिए राइजिंग राजस्थान समिट में आपके सुझाव और सहयोग महत्वपूर्ण है। प्रदेश को आगे बढ़ाने वाले सुझाव आमंत्रित हैं। सरकार आपके सुझावों पर कार्य करेगी। राष्ट्रहित जीएसटी एवं आयकर पर आयोजित इस सेमिनार में मंच पर विराजमान हम सभी के सम्माननीय मुनि श्री 108 प्रणय सागर जी महाराज एवं मंच पर विराजमान सभी मुनिगण, संतगण और हमारे इस आज के कार्यक्रम में हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत के प्रचारक, जिनको भी अभी आपने सुना, ऐसे सम्माननीय बाबूलाल जी, इस कार्यक्रम के संयोजक सीए दिनेश जैन जी, इस कार्यक्रम के सह संयोजक सीए आशुतोष जी सोनी साहब, इसके गाजियाबाद अध्यक्ष मुनि संघ सेवा समिति जयपुर श्री राजीव जैन जी और इस कार्यक्रम में आए सभी देश की आर्थिक व्यवस्था से जुड़े मेरे सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट, सभी मेरे भाइयों बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। क्योंकि मुझे पता है मंच पर आज विराजमान महाराज जी की उपस्थिति में सम्मान्य चार्टर्ड अकाउंटेंट, सभागार में उपस्थित सभी आप ने एक सेमिनार की है और सेमिनार के चर्चा के विषय जो रहे होंगे वो देश को और प्रदेश को आर्थिक मजबूती करना और हमारे क्लाइंट को भी किस तरह से मजबूत कर सकते हैं, आपने इन विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए होंगे। अभी अभी कह रहे थे कि हम बात करते हैं हमेशा हमारे क्लाइंट के फायदे की। अरे ये तो आपको करनी है कि जितना क्लाइंट का फायदा होगा उसमें आपका भी फायदा निहित है। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? तो ये तो आपको करने है। और ये मैं कहना चाहता हूं कि आपका ये ग्रुप है, ये मैं कह सकता हूं, देश और प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत करने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। आप सभी राजस्थान की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आपका कार्य केवल संख्याओं को संभालना नहीं है बल्कि राष्ट्र निर्माण का एक महत्वपूर्ण अंग है। चार्टर्ड अकाउंट वित्तीय प्रबंधन के विशेषज्ञ होते हैं और आप सभी विभिन्न क्षेत्रों में अपने ज्ञान, आपका अनुभव का उपयोग बहुत होता है। क्योंकि किसी प्रदेश की
और देश की उन्नति के लिए, उसको आर्थिक रूप से मजबूत होना, और मजबूत होने के लिए हर क्षेत्र में बदलते हुए समय में आपका विशेष योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान में हम कराधान के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आए हैं। जीएसटी लागू होने के बाद हमने देखा है कि हर कराधान में सुधार हुआ है और आज लगभग 1.3 करोड़ करदाता पंजीकृत हैं। हमें जीएसटी के माध्यम से छोटे व्यवसाय और उद्योगों को सशक्त बनाना है, ताकि वे न केवल अपने व्यवसाय को बढ़ा सके बल्कि देश के विकास में भी योगदान दे सके। राजस्थान के सीएस ने स्थानीय व्यवसाय जीएसटी के अनुपालन में बहुत बड़े परिणाम स्वरूप कार्य किए हैं और उनका राजस्व लगभग 30% की वृद्धि उसमें हुई है। आयकर न केवल राजस्व का एक प्रमुख स्रोत होता है बल्कि यह हमारे देश के विकास और कल्याण योजनाओं को समर्थन देने में एक महत्वपूर्ण योगदान भी निभाता है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाने का काम किया है, कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। सरल आयकर रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया, फेसलेस असेसमेंट जैसी पहलों पर करदाताओं के लिए भरना आसान हुआ है। फेसलेस असेसमेंट और अपील की प्रक्रिया आयकर प्रशासन में एक क्रांतिकारी बदलाव भी हुआ है। आज दुनिया में जब हम वित्तीय नीतियों का कराधान पर चर्चा कर रहे हैं, हमें ध्यान योग के माध्यम से मानसिक शांति और एकाग्रता को भी नहीं भूलना चाहिए। यह न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में बल्कि हमारे पेशेवर जीवन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ध्यान से हमें आत्मनियंत्रण, धैर्य और स्पष्टता भी मिलती है, जो हमें सही निर्णय लेने में मदद करती है। आज मुनि जी द्वारा जो अहम योग एवं अध्यात्म सिखाया जा रहा है, उससे न केवल हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि हो रही है बल्कि हमारे मानसिक विकास को भी सुदृढ़ कर रहा है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि महाराज जी का आशीर्वाद हम सबको प्रगति की याद दिलाएगा, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि देश की आजादी के बाद देश के अंदर जिस तरह से जो बदलाव होने चाहिए थे निश्चित रूप से उतने नहीं हो पाए। लेकिन मैं कह सकता हूं 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने बदलाव देखे होंगे, चाहे वो हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे हमारी अन्य योजनाएं हो, जीएसटी में सुधार हो, आर्थिक रूप से मजबूती हो, इन सारे विषयों को लेकर अगर हम चलेंगे तो आपको बहुत बड़ा अंतर मिलेगा। मैं कहना चाहता हूं हमारी राज्य सरकार ने भी, जैसा कि माननीय भाई साहब ने कहा था, क्योंकि हमारे पार्टी के हमारे प्रवक्ता पार्टी के हमारे संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, उस अंतिम पंक्ति में व्यक्ति को लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। मित्रों, आप देखते हैं देश की स्थिति है कि एक तरफ तो खाना खिलाने वालों की लाइन लगी होती है, एक तरफ कभी कभी कहता हूं मैं, आप देखते हैं मैरिज गार्डन में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, शादियां होती हैं, जितना खाना काम में नहीं आता है उतना खराब होता है, लेकिन एक तरफ देखते हैं कि उनको पूरा खाना भी नहीं मिल पाता है। हमें इसमें सोचना होगा, देखना होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के वो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है अंत्योदय की परिभाषा को हमने जानना होगा, जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है वो किस तरह से देश में आगे आ सकता है, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद की परिकल्पना की है। अगर
हमारे शरीर का कोई भी अंग खराब होता है तो हमारा नींद हराम हो जाती है। अगर हमारी उंगली में कांटा लगता है, पैर में कांटा लगता है, कहीं कोई घाव होता है तो शरीर बेचैन हो जाता है। इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि हमारा देश सबको साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के आधार पर चलना चाहिए। और अब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के आधार पर हम चलते हैं। और उस अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति का योगदान राष्ट्र के निर्माण में हो, हम उसको कैसे आगे ला सकते हैं, ये हमारी सोच हो। हमारे सोच में ये भी हो कि हमारा जो भाई है, क्योंकि एक नागरिक होने के नाते भी हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम आगे एक नागरिक होने के नाते के समाज के अंदर, मेरे गांव में, मेरे पड़ोस में, मेरे अपार्टमेंट में, मेरा पड़ोसी, मेरे घर का नौकर, क्या वो ठीक व्यवस्था में काम कर रहा है, क्या उसकी तरफ हमें देखना नहीं चाहिए, क्या उसके तरफ उसके उत्थान की बात हमको नहीं करनी चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं कि ये तले अंधेरा होता है, हमारे पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति, हमारे पड़ोस में रहने वाली बूढ़ी माँ किसी बीमारी के कारण वो ठीक तरह से इलाज नहीं करा पाती, मेरा विकलांग भाई किस तरह से रह रहा है, मेरे पड़ोस में मेरा काम तो करता है, मेरा गवर्नमेंट है, लेकिन उसके परिवार का पालन ठीक ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। निश्चित रूप से इन सारी बातों पर हमें विचार करना चाहिए। और आज हमारे संत मुनि महात्मा सभी हमको यही रास्ता दिखा रहे हैं, उनके रास्ता में चलना चाहिए, क्योंकि हमारा सनातन धर्म जिस तरह से हमारी संस्कृति से और हमारे विचार से बना हुआ है, ये कितने समय से हमारा ये सनातन धर्म चलता आ रहा है, लेकिन हमारे अंदर की थी आज भी वो जिंदा है। लाखों सालों तक हमारा देश कितने सालों तक गुलाम रहा, कभी हूण आए, कभी कुषाण आए, कभी इस्लाम आए तो कभी अंग्रेज आए, लेकिन हमारे अंदर की थी आज भी वही है, पहले भी वही थी। इसी कारण हमारे देश की संस्कृति और विचार को आगे करते हुए आज हमारी संस्कृति दुनिया में पहले नंबर की संस्कृति है, इस पर हमें गर्व करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा उठो जागो और इस देश दुनिया पर छा जाओ। उनका कहने का था 21वीं सदी भारत की होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं उस नरेंद्र ने कहा था और इस नरेंद्र ने करके दिखा दिया, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं हमारा हर परिवार, हमारा हर व्यक्ति, हमारा हर अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति, हमारा पड़ोस का, हमें नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है उन सबको आगे उठाने का, उन सबको आगे बढ़ाने का। एक व्यक्ति बढ़ेगा, एक परिवार बढ़ेगा तो हमारा राष्ट्र आगे भी बढ़ेगा। हमारा राष्ट्र आगे जब बढ़ेगा तो हर व्यक्ति आगे बढ़ेगा, समाज का एक तबका आगे बढ़ेगा, हर समाज आगे बढ़ेगा तो हमारा राष्ट्र उन्नति करेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हम सबको ध्यान रखते हुए हमारे समाज का हर पहलू यह होता है कि हम सबको साथ लेकर के हमें चलना है। मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूं, हम सभी चार्टर्ड अकाउंटेंटों से विशेष आह्वान करना चाहता हूं कि वो आगामी दिसंबर में राजस्थान में होने वाले राइजिंग राजस्थान, हमने पहले साल में ही राइजिंग राजस्थान रखा है जिससे हमारे राजस्थान का विकास हो, राजस्थान में नई नई कंपनियां आए, नए नए निवेशक आए, इन्वेस्टर आकर के हमारे राजस्थान में, हमारे राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम करें। ये मेरे सामने बैठी टोली वो है जो हमेशा आर्थिक रूप से जुड़ी रहती है, आपके संपर्क में भी है, आपके विचार में भी और आपके साथ भी काम करते हैं। कोई कितना भी इन्वेस्टमेंट करे मुझे इससे नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं एक छोटा इन्वेस्ट भी करेगा तो उसमें कम से कम 10 लोगों को रोजगार देने का काम मेरा हाथ में करता है। एक छोटी सी फैक्ट्री कहीं एक लगती है, आप देख सकते हैं उसमें चाहे 200 लोग काम करें, 300 लोग काम करें, लेकिन उस स्थान का विकास होता है। और विकास इसलिए होता है क्योंकि आवश्यकता की चीजें वो वहीं से खरीदता है, हमारी ग्रोथ बढ़ती है, हमारे 10 लोगों को रोजगार मिलता है। हमारा पंचर वाले को गाड़ी लगेगा तो हमारे पेट्रोल पंप से डीजल लेगा, हमारा पंचर तोड़ने वाला पंचर तोड़ेगा, सब्जी वाला सब्जी उनके लिए देगा और सामान देने वाले सामान देंगे, कपड़ा भी यहीं से खरीदेगा, कुछ इंस्ट्रूमेंट भी यहीं से खरीदेगा तो हमारे राज्य का विकास होता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजिंग राजस्थान जो हमारा है उस पर आप आइए और अपने मित्रों को भी लाइए और उसमें आपका कोई भी सुझाव हो, क्योंकि आप दिन रात काम करते हैं, आपका कोई भी सुझाव हो वो सुझाव भी हमें भेज सकते हैं। और वो सुझाव इसलिए क्योंकि हर व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है, कोई भी व्यक्ति अपने आप को समझे कि मैं पूर्ण हूं
कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं हो सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं एक छोटा सा सुझाव इस राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, इसलिए आपके अच्छे सुझाव दिया है, ये भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरे को आज इस कार्यक्रम में बुलाया, आज मुनि श्री द्वारा जो अरब योग एवं अध्यात्म सिखाया जा रहा है उससे न केवल हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी बल्कि हमारी मानसिक विकास भी सुदृढ़ होगा और आपके बताए हुए रास्ते निश्चित रूप से संत और मुनि बताते हैं और उनका ध्येय एक होता है कि मेरा समाज आगे बढ़े, मेरा राष्ट्र आगे बढ़े। इस राष्ट्र की परिकल्पना को लेते हुए आप सभी आगे बढ़े और इस तरह के सुझाव राज्य राजस्थान में आपके मिले, इस आशा और विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुनि जी के चरणों में पुनः प्रणाम, पुनः प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शनिवार को विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में ज्वाला माता मंदिर चौराहे नाड़िका फाटक के पास जल भराव की समस्या के समाधान और वर्षा जल संवर्धन के तैयार किए जा रहे गए रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोरवेल का शिलान्यास किया। वहीं शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष बहुत बारिश हुई है लेकिन वर्षा जल सड़कों पर बह गया, कई स्थानों पर जलभराव की भयंकर समस्या सामने आई। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम बरसात के पानी की एक एक बूंद को सहेजे और संचित करें और उसे पुनः धरती माता की गोद तक पहुंचाने का प्रयास करें। इसी कड़ी में ये रिवर्स बोरवेल करवाए जा रहे हैं। राजस्थान फुटबॉल संघ के तत्वाधान में जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम स्थित फुटबॉल मैदान में रविवार यानी आज से राजमाता जीजाबाई राष्ट्रीय महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का आगाज हो रहा है। राजस्थान फुटबॉल संघ के सचिव दिलीप सिंह शेखावत और महिला विंग की चेयरमैन रोशनी टाक ने मैदान में प्रतियोगिता की तैयारियों का जायजा लिया। शेखावत ने बताया कि AIFF के निर्देश पर आयोजित होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता के दो ग्रुपों के कुल 12 मैच जयपुर में होंगे जिसमें मेजबान राजस्थान सहित पंजाब, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार की महिलाएं टीमें हिस्सा लेंगी। वहीं रोशनी टाक ने बताया कि 6 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक चलने वाली प्रतियोगिता का उद्घाटन प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी रविवार को 3:30 बजे मेजबान राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मैच से करेंगी। डिस्कॉम्स चेयरमैन और जयपुर विद्युत वितरण निगम की प्रबंध निदेशक आरती डोगरा ने आमजन से जुड़े कार्यों को सुगमता प्रदान करने, योजनाओं की प्रगति सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए जयपुर डिस्कॉम क्षेत्र में जिला और सर्किलवार नोडल अधिकारी मनोनीत किए हैं। ये नोडल अधिकारी संबंधित क्षेत्र में लंबित विद्युत कनेक्शन, मटेरियल की उपलब्धता, ट्रिपिंग रिकवरी की स्थिति, बिजली छीजत आदि की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करेंगे। वहीं डिस्कॉम्स चेयरमैन ने उन्हें प्रत्येक माह जिला और सर्कल क्षेत्र के कम से कम 2 सब डिवीजन कार्यालयों का निरीक्षण कर उनमें लोड एक्सटेंशन, नाम बदलने, नए कनेक्शन, बिजली बिल में त्रुटि और सुधार आदि से संबंधित लंबित प्रकरणों की समीक्षा करने के भी निर्देश दिए हैं। प्रदेश में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन की दृष्टि से प्रदेश में लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की आईटी सेल की ओर से EHCC अस्पताल में वर्कशॉप का आयोजन किया गया। वर्कशॉप में अस्पताल की सेवाओं को और अधिक सुगम, प्रभावी और रोगी केंद्रित बनाने की दिशा में आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया। वर्कशॉप के दौरान HPR निर्माण के लाभ को समझाते हुए सभी कार्यरत डॉक्टर्स और नर्सिंग कर्मियों के हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्रेशन करवाए गए। इस दौरान अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक ने कहा कि हम इस डिजिटल परिवर्तन का हिस्सा बनने के लिए उत्साहित हैं। इससे न केवल हमारी संचालन क्षमता में सुधार होगा बल्कि मरीजों को भी सुगमतापूर्वक स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। राजस्थान में पिछले 2 सप्ताह के अंदर डेंगू के 2200 नए केस सामने आए हैं। पिछले करीब 10 दिन यानी 25 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच 5 जाने जा चुके हैं। मरने वालों में डॉक्टर, RAS अफसर, नर्सिंग की छात्रा, बिजनेसमैन तक शामिल हैं। जयपुर के सरकारी हॉस्पिटल के वार्ड फुल हो चुके हैं। OPD में आने वाले 15% मरीजों को 2 से 3 दिन तक भर्ती रखना पड़ रहा है। प्रदेश में 1 जनवरी से 4 अक्टूबर तक
5301 डेंगू के केस रजिस्टर्ड हो चुके हैं। हालात अब खतरनाक हो चुके हैं, तो वहीं जयपुर के जेके लोन और जयपुरिया हॉस्पिटल में इन दिनों वार्ड फुल हो गए हैं। 80% मरीज डेंगू से संबंधित हैं। जयपुरिया हॉस्पिटल के शिशु रोग विशेषज्ञ और सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर दीपेंद्र गर्ग का कहना है कि अभी दीपावली तक का समय बहुत खतरनाक है, इस दौरान डेंगू मलेरिया के सबसे ज्यादा केस सामने आते हैं। सुमेरपुर नगर के भैरू चौक, जाखा माता सहित नगर के कई जगहों पर डांडिया का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। डांडिया कार्यक्रम में बालिका पारंपरिक वेशभूषा पहनकर गुजराती और फिल्मी गानों पर गरबा करती हुई दिखाई दी। वहीं गरबा कलाकारों की तरफ से एक से बढ़कर एक गरबा की प्रस्तुति दी जा रही है, जिसमें ज्यादातर गरबे गुजराती में गाए जा रहे हैं। कई जगह पर डीजे की धुन पर गरबा कार्यक्रम में महिला नाचती हुई दिखाई दे रही है। शहर समेत उपखंड क्षेत्रों के गाँव में तीसरे दिन गरबा पंडालों में गरबा की धीरे धीरे रौनक बढ़ने लगी है। साथ ही डांडिया को लेकर सुमेरपुर पुलिस, तख्तगढ़ पुलिस और सांडेराव पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रही है। खबर टोंक से है, जहां दूनी तहसील कस्बे के प्राचीन और ऐतिहासिक दुड़जा माता मंदिर में शारदीय नवरात्रि के उपलक्ष्य में सूरापान करने वाली देवी के दरबार में श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है। श्रद्धा के सैलाब में दुड़जा माता की अद्भुत छवि और लबालब सरोवर में रात के वक्त चिल्ड्रन गार्डन और मंदिर की डेकोरेशन से पानी में चमकते हुए अद्भुत नजारे दिखाई देते हैं। माता के मंदिर में देश प्रदेश के श्रद्धालुओं की आस्था, श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। यहां 12 महीने श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। सरोवर किनारे प्राचीन दुड़जा माता मंदिर का इतिहास महर्षि द्रोणाचार्य की साधना तपोबल से जुड़ा हुआ है। मंदिर का इतिहास करीब 900 साल से अधिक पुराना है। मंदिर में 4 फीट की दुड़जा माता की प्रतिमा स्थापित है। यहाँ पर रंग बिरंगी पोशाकों से माता रानी का आकर्षक श्रृंगार किया जाता है। पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू ने शनिवार को एक आदेश जारी कर फलौदी जिले के लोहावट में वृत्ताधिकारी के पद पर कार्यरत राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारी शंकर लाल छाबा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। डीजीपी साहू ने बताया कि छाबा के विरुद्ध एक विभागीय जांच प्रस्तावित होने के संदर्भ में ये कार्रवाई की गई है। निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय पुलिस हेडक्वार्टर्स जयपुर ही रहेगा। शनिवार को जवाई बांध रोड पर स्थित महाराजा उम्मेद सिंह कृषि उपज मंडी में किसान संघर्ष समिति सुमेरपुर आहौर की बैठक आयोजित की गई। बैठक समिति अध्यक्ष जयेंद्र सिंह गलंथी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में महासचिव नरपत सिंह मदेरणा, महामंत्री उमाशंकर मुंदड़ा समेत संगम अध्यक्ष एवं सदस्य एवं किसानों ने भाग लिया। अध्यक्ष जयेंद्र सिंह गलथनी ने बताया कि 20 अक्टूबर से पहले जल वितरण कमेटी की बैठक आयोजित करना, 21 को किसानों के महापड़ाव की चेतावनी, समय पर किसानों को खाद उपलब्ध, जन संसाधन विभाग में सही अधिकारियों की नियुक्ति जल्दी करने की मांग और नहरों की समय पर सफाई की मांग समेत अन्य कई समस्याओं पर किसानों और समिति के बीच में चर्चा हुई। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।